तो आप सब जो है काफी कमेंट कर रहे थे कि यूनिक चीज, और जैसे ही यूनिक चीज आप सभी को सिखाता हूँ बहुत ज्यादा जो है आप लोग प्यार देते हो। तो आज बहुत ही हेवी टॉपिक बताने वाला हूँ, बहुत ही मस्त बताने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि वो तरीका शायद ही कोई कोई जानता होगा। अगर कोई जानता होगा तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो पैंट के बारे में जो है आज जानेंगे। तो पैंट का जो है ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है ये हम लोग जो नाप के कटिंग करते हैं, इसमें कितना लूजिंग देना चाहिए और किस तरीके से मेजरमेंट लेना चाहिए। मेन जो फ्लो होता है मेजरमेंट का होता है कि किस तरीके से मेजरमेंट में कितना लूजिंग दे। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूं कि किस तरीके से मैं लूजिंग दिया हूं। बैक कैमरा से स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों कट हो चुका है और लास्ट में जो मेजरमेंट करके साबित करूंगा इसका जांग का, हम नापेंगे किस तरीके से नापते हैं। तो इसका जो जांग है आप कंप्लीट देख लीजिए पहले कितना है। तो ये देखिए इसका जो जांग है दोस्त, ये 12 है ना, तो 24 उसका जांग है। इसमें जो लूजिंग दिए हैं ये देखिए डायरेक्टली वो 2.5 इंची का दिए हैं। आप डिटेल्स में देखिए 2.5 इंची का ये लूजिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इधर से 1/2 इंच को सिला जाएगा और ये जो मार्का है मार्का से अंदर की तरफ सिलाता है तो ये 1/2 इंच ये सिला जाएगा। तो मेरा कितना नुकसान हुआ, 1/2 इंच इसमें से और 1/2 इंच इसमें से, 1 इंच मेरा जो है नुकसान हो गया। और ये देखिए 1 इंच हटा दिया तो कितना बचा, मेरा 1.5 इंच बचा, ठीक है। तो 1.5 इंच लूज रहना चाहिए बैठने उठने के लिए और पैर फैलाने के लिए लूज रहना चाहिए। तो चलिए अब हम मेजरमेंट करते हैं थाई को और आप सभी को दिखाते हैं किस तरीके से मेजरमेंट लेना चाहिए जांग का। मेन चीज है गौर से देखिएगा समझिएगा, जितना फॉर्मूला है हमने बता दिया तुझे। और ये देखिए ये रहा जांग, ठीक है, शॉर्ट को जो है उठा लेते हैं, ये रहा। और ये जो जांग यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं करेंगे, पैंट ऊपर जो है चढ़वा लेंगे। पैंट को ऊपर चढ़ाओ, कस्टमर से पैंट जो है ऊपर की तरफ चढ़वा लेते हैं। और ये देखिए अब आएगा मेन थाई, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आए, ठीक है, ये पूरा ऊपर है। और ये देखिए इसको इस तरीके से मेजरमेंट करना है, पैंट पर पर्स निकलवा देना है, मोबाइल निकलवा देना है। और ये रहा इस तरीके से, ये बिल्कुल फिक्स कितना आया, 20 आ रहा है, बट इसको इस तरीके से मेजरमेंट नहीं करना है। ये देखिए ये जो आपका 4 उंगलियां है तो जींस का मेजरमेंट सही नहीं आता है, पैंट का ही मेजरमेंट ले। और जींस है तो अभी बताएंगे, जींस में क्या करना है कि इस तरीके से सीधा सीधे इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है, 4 उंगलियां अंदर नहीं रखना है, इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 22 आ रहा है और बता दिए जींस का। अब ये देखिए इसको इस तरीके से मेजरमेंट करना है, ये देखिए 4 उंगलियां जो है अंदर है। अब क्या करूंगा कि अगर जींस जो इसका ढीला है तो ढीला उसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ये कितना आ रहा है, ये भी 22 आ रहा है, बिल्कुल कंप्लीट। अब देख लीजिए ये 4 उंगलियां जो मेरा अंदर है, वो पैंट पहने या जींस पहने इतना काम करना है कि पर्स मोबाइल निकलवा कर रुमाल निकलवा कर इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। ये देखिए ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो अब इस तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद जो है उस तरीके से मार्का लगाए तो आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला यूज करके देखिएगा, अगर आप फिटिंग पैंट में जो है कि ये लूज सिला गया, अगर ऐसा शिकायत आता होगा तो आपका शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये लूज पैंट की बात करें जो जिसमें टेकिन होता है, तो टेकिन का आप तो समझ रहे हैं कि जांग में इसमें प्लस कर देना है, कितना प्लस करना है, 1.5 इंची प्लस कर देना है, 2 इंची प्लस कर देना है। आप जितना एक चीज इच्छा हो, जितना लूजिंग सीना चाहते हैं उतना प्लस कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा एक और चीज बता दें कि जिसको काफी बिल्कुल वो लूज पहनता है तो उसमें 2.5 इंची लूज दे। और चलिए हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं पैंट पे किस तरीके से लूजिंग पैंट में दे। जैसे कि आप जो टेकिन देते हैं ना, उसी वही टेकिन मार्जिन जांग में बढ़ जाता है। तो टेकिन कितना देते हैं, 1/2 इंच का एक टेकिन रहता है, दूसरा जो है 1/4 इंच का होता है, यानी कि 2 इंच का टेकिन होता है। तो 2 इंच जांग में बढ़ा दे, बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। तो चलिए अगर अच्छा लगा होगा ये कंटेंट तो लाइक कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो कि सर यूनिक चीजें बताओ जो किसी ने नहीं बताया हो। तो ये आप सभी के मन के द्वारा मैं काम करता हूं, तो आप सबका भी हक बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो भी कमेंट है, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसमें क्या कमियां थी और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके कौन सा वीडियो चाहिए इसी तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि हर किसी का कमेंट के अनुसार मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, जिसका अच्छा लगता है उसको मैं बना देता हूँ, और हो सकता है कि इतना ना कमेंट आ जाता है कि मुझे सकान ही ना हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करते रहिए, हो सके आपका ही कमेंट का वीडियो बन जाए यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा इस तरीके की वीडियो जो है मेरे चैनल में जाइए और देखिए
और आप फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार।